श्रीमद् भागवत है। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति यही है, पति को पास में केवल पत्नी ही खड़ी रह सकती है। पत्नी को छोड़ करके जैसे तैसे व्यक्ति को आप पति को पास में खड़े नहीं कर सकते। भागवत में हाँ कृष्ण का जो साथी से रुक्मिणी को साथ में हुई, सत्यभामा कालिंदी आदि को साथ में हुई, ये भागवत में स्पष्ट ही है। और भागवत में कई राधा रानी का नाम तो है नहीं, आपने ये राधा को यहाँ कृष्ण के पास में क्यों खड़े कर दिया? यहाँ से राधा ने कहा हमारे वैदिक संस्कृति ये नहीं करना है, यहाँ पर रुक्मिणी को खड़े कर दिया जाए, उनका ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उनका था बोले ये कृष्ण को पूजा पहले उसके बाद में नारायण और राम का पूजा होता है, ये सब कहाँ से आ रहा है? कृष्ण ये द्वापर युग में आए, ये नारायण अनादि जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अनादि नारायण है जिनका अजन्म है, कृष्ण से जन्म हुए, वो मथुरा में सबसे कारागार में जन्म हुए जैसे बालक जन्म लेते हैं, और नारायण अजन्मा जिनका अनादि आदि नहीं, और आपने कहा कि कृष्ण का पूजा पहले करते हो उसको बाद में फिर आप पूजा कर रहे हो, ये नारायण को ये भी विधि विधान अनुचित है, इसलिए पहले यहाँ नारायण की सेवा होगी उसको बाद में आप कृष्ण पूजा कर सकते हो, ये सब काम करो। राजा को तो सिद्धार्थ तत्व तो कुछ पता ही नहीं, उन्होंने बात भी सही है बता रहे इसलिए उनको, लेकिन उनको पता ही नहीं कुछ इसमें गड़बड़ी लगता है, इसलिए उन्होंने वृंदावन में खबर भेजा अगर कोई गौरी वैष्णव में कोई ऐसे अगर वैष्णव हो जो आए ये बोलते राधा रानी को हटा दो, वो हटा दिया राधा रानी को, और पहले कृष्ण का पूजा नहीं नारायण का पूजा होने लग गया। बोले कोई आओ तो गौरी वैष्णव में अपना गौरी सिद्धार्थ को स्थापन करने पर राधा रानी को गोविंद देव पास हटा रहे हैं, और पहले नारायण की पूजा होकर फिर कृष्ण सेवा कर रहे हैं। जब ये खबर आए उसी मंदिर में यही सब कुछ मीमांसा करेगा। अभी रामानुज संप्रदाय से आप लोग देखो बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे गोल गोल लाल लाल रंग के सब बड़े बड़े वहां पर गलता करती, वहां पर बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, रामानुज संप्रदाय के बड़े बड़े विद्वान आए और गौड़ीय वैष्णव से भी विद्वान कुछ आए, अभी वहां पर बैठ गए किसी विषय पर डिस्कशन होगा। एक तरफ में रामानुज संप्रदाय का साधु मोटे मोटे लंबे लंबे बैठे हुए, आप बड़े विद्वान उसको चेहरा देखना पतले दुबले पतले और लंबी तक पहने हुए, हाथ में एक कमंडल और यहाँ पर एक चादर, शरीर में कोई जान नहीं देते, और गौड़ीय वैष्णव कहते महाप्रभु भक्त जन वैराग्य प्रधान जहाँ देखे तुष्ट है गौर भगवान, महाप्रभु के जितने भक्त वैराग्य प्रधान है दीनहीन रूप में जैसे गोस्वामी लोगों ने भजन किया, इसलिए अभी इनके अंदर में शास्त्रार्थ अभी इनके अंदर होने जा रहा है। इतने में अभी 5 मिनट बोल खत्म कर देना विचार, इसलिए अभी विचार होने जा रहे हैं अंदर में, जब विचार होने जा रहे हैं तो लोगों ने ये दो प्रश्न को रखा, बोले आप लोग के अंदर में कौन उत्तर देगा, बोले दोनों अंदर में दोनों को चुना गया। जैसे ये बढ़ते पिता कृष्ण को शरीर पतले दुबले पतले जान है नहीं, ये क्या बोले थे, और इनका जो बड़े लंबे चौड़े विद्वान उनका जो प्रश्न उन्होंने किया, दो प्रश्न उठाया, कहते कहाँ राधा रानी कृष्ण का हाजिरी शक्ति कहाँ है, भागवत मूल ग्रंथ हमारे भागवत को माना गया है, बताओ ये भागवत में राधा रानी का नाम कहाँ है, और कृष्ण का शक्ति भागवत में तो रुक्मिणी का नाम है, और कृष्ण ही बड़ तो कहाँ पर, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने जो उन्होंने संस्कृत भाषा में वहां पर जो उन्होंने उत्तर दिया है अद्भुत उन्होंने उत्तर दिया है, राधा रानी का नाम भागवत में है तो किस रूप में, नहीं हो तो क्यों नहीं, उन्होंने बहुत डेफिनेशन दिया है। बोले श्री भागवत का जो प्रथम टीकाकार थे श्रीधर स्वामी वो कहते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी श्री श्री सुखा श्री राधा रानी का सुख होने का नाते वो राधा रानी का प्रिय सुख है, राधा रानी उनका गुरु है, वह उनको इष्ट है,
गुरु व इष्ट का नाम सब जगह पे लिया नहीं जाता, इसलिए सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं राधा नाम उच्चारण मात्र सर्व मासिक मूर्छा भ गई। और राधा नाम लेते हुए छह महीना तक बेहोश हो जाते थे, अभी उनको सात दिन में भागवत कथा सुनाना, अगर बेहोश हो गए तो भागवत कथा नहीं सुनाएंगे। इसलिए उन्होंने श्री राधा रानी का नाम नहीं दिया। यद्यपि वहां पर राधा रानी को उन्होंने पूछे सुखदेव गोस्वामी आपका नाम को हम किस रूप में दे, राधा रानी स्वयं डायरेक्ट निर्देश देती है। और श्री सनातन गोस्वामी बृहद भागवत में भी स्पष्ट वहां पर सनातन गोस्वामी लिखे हैं कि उन्होंने गोपियों का नाम उच्चारण क्यों नहीं किया, उन्होंने उच्चारण कर दिया सत्यभामा रुक्मिणी आदि का नाम लिया क्यों नहीं लिया, कहते ये गोपियां राधा रानी महाभावती है, कहते इनका नाम लेते ही ये संपूर्ण कृष्ण प्रेम का विरह की जो ज्वाला पीड़ा भी नवकाल तथा गर्भ से निर्वासन काल कुट जहर जैसे उनका विरह है, वो विरह अवस्था ये ब्रज गोपियों की। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी गोपियों का नाम लेते ही कृष्ण विरह की ज्वाला में जल जाते थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। राधा रानी डायरेक्ट आदेश देती है अगर मेरे नाम को लेना तो कहीं गुप्त रूप में, इसलिए भागवत में कहीं श्री कहीं कर कहीं लक्ष्मी कहीं बधु इसी रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी नाम लिया। इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक श्री विश्वनाथ चतुर्थ जो लिखा है जन्मादश श्लोक है उसमें क्या है, बोले सत्यम परम धीमहि, कहते परम सत्य को ध्यान कर रहे हैं, बोले परम सत्य कौन है, तो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं पराम च परम चेति परा, इसलिए कृष्ण का जो पराशक्ति जो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता वो परा देवी श्री राधा रानी, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी श्री राधा जी ध्यान कर रहे हैं। जन्मादश यतः, जन्मादश यत मतलब आद्य रस जन्म जत, मतलब जिनसे जिस राधा रानी से जो आद्य रस जो श्रृंगार रस है वो राधा रानी से ही प्रकट होती है, अद्भुत रूप में उन्होंने विवेचना वहां पर की है। और वहां पर रासलीला का जो प्रथम श्लोक है बोले भगवान अपि तारात्रि सरत उत्फुल्ल मल्लिका विक्सरन्तुमनश्चक्रे योग माया उपासना योग माया कौन है, बोले राधा रानी, क्योंकि वही रासल सरस्वती राधा रानी, उनके कृपा के बगैर कृष्णा राम नहीं कर सकते, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पहले रासल सरस्वती राधा रानी का नाम लेते हैं। गोपी गीत का पहले बोले जय तीर्थिकम जन्म नाज श्रयत इंदिरा, ये इंदिरा शब्द इंदिरा मतलब लक्ष्मी, कहते ये मूल लक्ष्मी कौन है, कहते श्रीमती राधा रानी, उन्होंने प्रश्न किया बोले इंदिरा तो लक्ष्मी होता है आप राधा में कैसे लगा रहे हो, तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे भोजन कर रहे हो आपने बताया देखो एक 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 घोड़ा का नाम भी नमक क्या होता है, अगर आपने कोई दूसरा किया नाम है बोला ये वस्तु दो, अगर आप घोड़ा ले आओ भोजन का समय पर नहीं, वो भोजन कर रहे हैं नमक लाओ, यद्यपि घोड़ा का शब्द एक ही और नमक का शब्द एक ही, इसलिए भागवत में राधा रानी की बात है यहाँ पर, इसलिए जहाँ पर इंदिरा लक्ष्मी वो केवल राधा रानी को ही उद्देश्य करते हैं, क्या उन्होंने अद्भुत विद्वता के साथ में उन्होंने स्थापित किया। फिर कृष्ण बोले राधा रानी कृष्ण का भाग नहीं सकते, बोले कहाँ पर, बोले जितने सारे ग्रंथों से बोले वेद में सर्वत्र राधा रानी का नाम है, बोले कैसे, बोले कहीं श्री वेद में वहां पर सिया हाँ प्रथमा का एक वचन राधा नाम पति श्यामम छबलम प्रपदे छबलम श्यामम प्रपदे तृतीया षष्ठी प्रथमा रूप में पूरा वेद उन्होंने उतार दिया दिखाया, देखो कहां कहां पर राधा रानी का नाम है, ऐसे कोई पुराण नहीं भादिनिया महाशक्ति सर्वशक्ति बरियसी, कहते वो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, सारे वेद वेदांत उपनिषद उन्होंने उतार करके श्लोकों की उन्होंने बड़ा झड़ी लगा दिया, श्लोकों की सारे विद्वान लोग सुन सुनकर हजार हो रहे थे, हम तो सोच रहे थे भागवत नाम नहीं, उन्होंने दिखाया भागवत कृष्ण पर ग्रंथ नहीं है, ये भागवत राधा रानी की महिमा को गाने वाले, क्योंकि वहां जो पांच गीत है वो राधा रानी की महिमा है, जो पांच प्राण है वो राधा रानी की महिमा है, इसलिए भागवत कृष्ण पर ग्रंथ नहीं भागवत राधा रानी का पर ग्रंथ है। और वहां पर कृष्ण का जो परतत्व को निरूपण किया है ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि को भी सर्वसार कारण एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
और मतह पर तरफ नाशत विचित सज्जनज संपूर्ण शास्त्र को वेद में उपनिषद में कहां कृष्ण को परतत्व रूप में निरूपण किया है, वही से श्लोक भी झरी लगा दिया उन्होंने, जितना लोग थे सब को ताली बजाना शुरू कर दिया। बोले श्री कृष्ण जय विचार होता प्रभु की जय, अपना जय जयकार हो गया, कोई परास्त कर दिया सभी को। लेकिन तब भी उन लोगों ने माने नहीं, बोले नहीं, बोले तुम्हारा संप्रदाय का भाष्य कहा है, सारे संप्रदाय का भाष्य है, गौड़ीय संप्रदाय का भाष्य कहा है। बोले महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को ही अपना भाष्य माना, क्योंकि गरुड़ पुराण का श्लोक है, बोले अर्थाय ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सो वेदार्थ परिवर्तित, इसलिए अर्थाय ब्रह्म सूत्राणाम, बोले भागवत को बताया ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, इसलिए ब्रह्म सूत्र का जो प्रथम जो जन्मादस्य जत भागवत का स्टार्ट कास्ट होता है जन्मादस्य जत, इसलिए ये भी सूत्र सबके सब है। बोले उन्होंने महाप्रभु तो केवल अकृति भाष्य भागवत को मिलना, बोले नहीं, सारे संप्रदाय में श्री भाष्य पारिजात भाष्य हमारे संप्रदाय में भाष्य नहीं, इसलिए शास्त्र ने बताया अगर हर संप्रदाय का तीन ग्रंथों के ऊपर भाष्य होनी चाहिए तभी उसको संप्रदाय स्वीकार करा जाए, नहीं तो वो संप्रदाय है नहीं। बोले किसको ऊपर में, बोले एक तो उपनिषद को ऊपर होनी चाहिए, दूसरा है वेदांत सूत्र को ऊपर में, तीसरा है श्री श्री गीता को ऊपर में। जब तक आपका संप्रदाय में ये तीन ग्रंथों के ऊपर में कोई भाष्य नहीं आपको संप्रदाय माना नहीं जाएगा। बताओ कहा संप्रदाय, आपका भाष्य कहा है? बोले अगर हमें समय दोगे हम कोशिश करेंगे। 7 दिन उनको समय दिया, हमने श्री गोविंद देव के पास में गए, उनसे प्रार्थना किया, हे गोविंद देव आपका ही खोजा जगत में खड़ा ठहराने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए आप कृपा करो। गोविंद देव ने उनको सपना दृश्य दिया, कोई चिंता मत करो, तो बोले कलम पकड़ो पेन पकड़ो, मैं सबके सब स्फूर्ति कराऊंगा। 7 दिन समय लिया, लेकिन उससे कम दिन में उन्होंने पूरा 550 सूत्र का उन्होंने भाष्य को लिख करके उन्होंने उनको हाथ में दिया। यद्यपि दूसरे दूसरे संप्रदाय में भाष्य है, ब्रह्म सूत्र को ऊपर विशेष करके शंकराचार्य का भाष्य है, दूसरे दूसरे लोग सोचते हैं ये मायावादी ग्रंथ है, ये मायावादियों का है, लेकिन यदि ये वेदांत सूत्र है, वेदांत मतलब वेद का जो सार, यदि ये भाष्य वेदांत सूत्र है, इन्होंने दूसरे दूसरे संप्रदाय में दास्य रस को दिखाया, उसको ऊपर कोई नहीं दिखाया। लेकिन श्री विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण प्रभु अद्भुत उन्होंने भाष्य किया, जहां उन्होंने श्रृंगार रस तक दिखाया, इसलिए उन्होंने हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा गौड़ीय वेदांत समिति, इसलिए वेदांत नाम पर समिति का नाम रखा, सारे संन्यास का नाम वेदांत वेदांत नाम रखा। बोले क्यों? बोले वास्तव रूप में वेद का अधिकार है केवल संन्यास गौड़ीय वैष्णव का, क्योंकि वेद का जो सार है ये श्रीमद् भागवत, भागवत का सार गोपियों की प्रेम है, इसलिए अद्भुत सारा दुनिया देख चमत्कृत हो गए, क्या अद्भुत उन्होंने भाष्य जिनका नाम रखे श्री गोविंद भाष्य, इसलिए संपूर्ण उन्होंने जय जयकार करते हुए उन्होंने वापस आए, फिर यही संप्रदाय को रक्षा ही कि हम लोग का भी कर्तव्य है, इसलिए हम लोगों को भी सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़ने चाहिए, इसलिए कहते सिद्धार्थ बोलिया चिते नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मान, सिद्धार्थ बोल करके अलस नहीं करनी चाहिए, सिद्धार्थ में परिपक्व होनी चाहिए, इसलिए हम लोग अहोभाग्य ऐसे महाराज जी के पास में आए, हमारे जो सच्चे वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जो एक साथ में रसाचार्य और एक साथ में तत्वाचार्य है, इसलिए इनको पास में आए, उन्होंने कभी ब्रह्म सूत्र को सभी को उन्होंने दिया, जब मथुरा में रहते थे 7 दिन में एक ब्रह्म सूत्र, सिद्ध महाराज माधव महाराज सब थे 7 दिन में एक एक ब्रह्म सूत्र के ऊपर में सब ब्रह्मचारी को बताने के लिए बोलते थे गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव भी सबको वेदांत बनाया और सबके सब यहाँ वेदांत भी है, इसलिए हम लोग श्री बलदेव विद्यापुर चरण प्रणाम करते हैं, वो कृपा के धाम ही उनके सामने कोई बात से सिद्ध महाराज जी ने बड़े सुंदर रूप से श्री श्यामानंद प्रभु के और बलदेव विद्याभूषण के ऊपर में अच्छी भावना व्यक्त की है और विचारों को प्रकट किया है। श्री बलदेव विद्याभूषण बाद गौड़ीय भास्कर आचार्य और वेदांत पर
गोविंद भाष्य की रचना करते हुए राधा जी की महिमा को प्रकाशित किया है। राधा रानी महिमा तेरी प्रकाश पर। आज दुखी कृष्णदास जिन्हें श्यामानंद प्रभु होते এই বৃন্দাবনে যমুনা ফুলে নিয়ে ঝাড়ু লাগাইতে লাগাইতে রাধারানী পায়ের নূপুর পেলেন। জীব গোস্বামী শিখাইলেন, যাও যার নূপুর তার পায়ে পড়িয়া ঠকবে না। তিনিও বসে থাকলেন কৃষ্ণ ভক্ত চতুর, তাই চতুরালীর পরিচয় দিলেন। সখীগণ কোনো মতে ঠকাইতে পারলেন। শেষকালে রাধারানীকে নিয়ে আসলে তাহার চরণে সেই নূপুর পরিয়েই ছাড়ল। আজ পর্যন্ত সেই শ্যামানন্দ পরিবারে সকলে এই নূপুরের তিলক করে। আর রাধারানী যখন রাধারানীর চরণ কমলে যখন নূপুর পরাইলেন, সেই সেবাতেই রাধারানী প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ। সেই থেকে তাহার নাম বদলে গেল শ্যামানন্দ, শ্যামা জানি রাধা। রাধারানী যিনি আনন্দ বর্ধন করেছেন সেবার দ্বারা। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাহাদের মন প্রাণ হৃদয় সর্বস্ব রাধা গোবিন্দের চরণে ঠেলে দিয়েছে। তাহারা সেই প্রেম ভক্তির আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে বাধে দূর যেতে পারে। সেবায় গুণে রূপে মাধুর্যে ভক্তিতে কাব্য তারা যে আকর্ষণ করে নিয়েছে। এই জন্য ভক্তির মধ্যে কথা আছে কি, ক্লেশর নেই সুবদা মুখ্য লোক তার কৃতি সুদুর্লভা সান্দ্র আনন্দ বিশেষ আত্মা শ্রীকৃষ্ণার দর্শনী চষা। আমরা ভক্তি গার্জন করি কিন্তু সামান্য মাত্র, তাতে কিছু ক্লেশ দূর হয়ে যায়। কিন্তু এখন প্রথম স্টেজ, এরপরে শুভদা সমস্ত প্রকারের শুভ উদয় হয়। প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ পাপ পাপি অবিদ্যা সব কিছু সমূলেই নাশ হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শুভ উদয় মুক্তিও পর্যন্ত অতি তুচ্ছ হয়ে যায়। ভক্তের নিকটে মুক্তি কেউ তার গুরু থেকে ঘৃণা বলে মুক্তি চাই না। এই বৈশ্বিক জগতে ভৌতিক জগতে কোন বিষয় বস্তু চাই না, চাই কি বল তদীয় চরণ কমল সেবা, রাধা গোবিন্দের চরণ কমল সেবা। সেই সেবা দ্বারা প্রেমের দ্বারা তারা যে আকর্ষণ করে নেয়, সেই আকর্ষণের জন্য ভগবান তাদের নিকটে আকর্ষিত হয়ে আছে। এই জন্য আমাদের এমন ভক্তি হওয়া চাই, আমাদের হৃদয়ে এতটুকু উৎকণ্ঠা আকুলতা ব্যাকুলতা তীব্র লালসা জানা চাই, তা না হলে তাহাকে পাওয়া যায় না। আর তিনি নিকটে আসেন, তিনি তো সর্বত্র আছেন। এই বৃন্দাবনে কোন একজন বিদেশি ভক্ত কোন সময় আমাকে বলছেন, বলে আমার নাম অমুক, কেউ জানে না, আমি এসেছি রাস্তায় ঘুরছি লই বাজারে, একটা ছোট্ট মেয়ে এসে আমার নাম ধরে ডাকছে, তো অদ্ভুত ব্যাপার, কি করে জানলো? ইয়ে আর দেখতে দেখতে সামনেই আমার ধান হয়ে গেল অদৃশ্য, নাম ধরে ডেকে গিয়ে অদৃশ্য। তো একজন ভক্ত বলছে, তো রাধারানী রাধা কৃষ্ণ তাহারা এই যে ব্রজমধ্যে এই বৃন্দাবনে নিত্য লীলা করে, ভক্তের হৃদয়ের ভাবনা অনুসারে কখন কিভাবে কাকে দর্শন দিবেন, কিভাবে ভক্তের চিত্ত মনকে আকর্ষণ করেন তিনি জানেন। তিনি যে চিত্ত চোর মনে চোর, সেই জন্য সেই মহান পুরুষগণ তাদের অত্যন্ত কীর্তি যে তাহারা এইভাবে আকর্ষণ করে দিয়েছে। সেই ভক্তির আকর্ষণে রাধা গোবিন্দ তাহারা দর্শন দেয়, কাছে আসে, নিজের সেবা প্রদান করে তাদেরকে অনুগ্রহ করে আত্মসাৎ করে নেয়।
এই জন্য শ্রী গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন গৌরী আরে করিয়াছেন আত্মসাৎ। যারা রাধারানীর একান্ত আশ্রয় নিয়েছেন তাহাদেরকেই কৃষ্ণ আত্মসাৎ করে দিয়েছেন। এই শ্রী গুরুদেবী দাভূষণ পাচার কথা আপনারা এতক্ষণ শুনলেন যে রাধারানী নিয়ে এই সমস্যার সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক বিরোধ করছে, সেই বিরোধের মধ্যে তিনি সমাধান করলেন। বেদ বেদান্ত উপনিষদ পুরাণ ইতিহাস সমস্ত শাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে তাদের বিচারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে খণ্ডন মণ্ডন করে তিনি রাধারানীর মহিমাকে স্থাপন করলেন। এই জন্য কলতাগতিতে শ্রী বলদেবী দাভূষণ পাল রাধারানীর মহিমা প্রকাশ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাম্রাজ্যের বিজয় পতাকা উড্ডয়ন করেন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোবিন্দ ভাষ্য রাধারানীকে লিখে নিখে যে গোবিন্দ স্বয়ং বলতেন বলে লিখো আমি বলছি আর লিখে ফেললেন। পরদিন সভাতে প্রস্তুত করে দিলেন 550 সূত্রের উপরে 3 খণ্ড গ্রন্থ গোবিন্দ ভাষ্য প্রস্তুত করে সকলেই দেখে চমৎকৃত হয়ে গেছে। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আমাদের পূর্ব আচার্যগণ তাহারা প্রয়োজন করেছেন তাদের অসীম অনন্ত মহিমা, যেমন ভগবানের মহিমা তত্র গুরুবর্গের অসীম অনন্ত মহিমা। এইভাবে রাধা গোবিন্দের সেবাকে প্রকাশ আজ সম্পূর্ণ বিশ্বে রাধাকৃষ্ণে রাধারানীর মহিমা প্রকাশিত এবং সকলেই আরাধনা করছে। তো আজকে আমাদের সময় অতিরিক্ত হচ্ছে, আগামীকাল আমাদের বাস পরিক্রমা। এখন আমরা এই বৃন্দাবন থেকে অন্যান্য বনের মধ্যে যাব। রাধারানীর অঙ্গ স্বরূপ যে বন মধুবন তালবন কুমুদবন, এরপরে গতকাল আগামীকাল আমরা যাব মান সরোবর রাধারানী মাঠ বন এবং ভান্ডির বন, হ্যাঁ মধুবন তালবন কুমুদবন। আমরা আমাদের বাস এই রাস্তার মধ্যে আসবে, আমরা নগর পালিকার কাছে যাব না, তো এই রাস্তায় আসবে একটু আগিয়ে যেতে হবে। বাস যেখান পর্যন্ত আছে এসে বাসে উঠতে হবে, এখানে বাসের অ্যানাউন্স হবে আর নম্বর বলবেন আর বাসের মধ্যে কি কি ব্যবস্থা নেবেন সেগুলিও বলবেন। কল হলো মধুবন তালবন কুমুদবন মান সরোবর রাধারানী মাঠবন ভদ্রবন ভান্ডেরবন রাধারানী So we come back evening before evening. So on the parikram, now we have to Tridharimara, you know. So tomorrow is the first day of the bus parikrama, as you've all just heard. And the buses will be hopefully just outside the gate here, just a little way along by the water tank, just a few hundred yards, meters along, past Imli Tower. Hopefully, then if they can't manage to come around that far because of the road, they will be at Kaliya Krida, at Kaliya Ga, the gate, the Ghat of Kaliya, which is about 15 minutes walk down the parikrama path. But hopefully they will be here, just outside the door, straight after Mangalati, at about 5:15, 5:30, you can begin to board the buses. We hope to leave by around 6. So I hope that everyone has registered. We have 250 names of those who have registered. So according to those names,
we have ordered 5 buses. So if some have not registered, they must do so tonight so we can order 1 extra bus. There is only room on the buses for those who have registered. It's important to register, please. So if you haven't registered, there is still time to order 1 more bus. Now tomorrow, all the names of the buses that where everyone will sit will be in the hallway here before Mangalarti. All the names will be up on where which bus you're in. So the first 7 buses from number 1 to number 7 will be all Bengalis. From 1 to 7 are Bengali buses. Then from 8 up until 12 or 13 will be the Western buses. Okay, from 8 to 12 are the Western buses. So they'll all be ready and numbered and so on by 5:30 tomorrow morning. So hopefully they'll be here. Otherwise we'll have to go to Kalifrida. So if you haven't registered, this is the last opportunity if you want to go on the Parikram tomorrow. So we only have 5 buses for the Westerners. বাংলা যারা যাত্রী এসেছেন বা ভাতৃযাত্রী তাদের যারা গৌরাঙ্গ রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন লক্ষ্মী দেবী তিনিও তার ভোগ হয়েছে কৃষ্ণের রাসলীলায় প্রবিষ্ট হয়ে রাসলীলা আস্বাদন করেছেন কৃষ্ণের রূপ মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ্মী দেবী তিনি রাসলীলাতে প্রবেশ করার অধিকার চেয়েছিলেন এটা ওনার কিন্তু দর্শনীয় কারণ লক্ষ্মী দেবী প্রত্যেক কারণ প্রত্যেক মেয়েরা যিনি উত্তম সৌন্দর্যযুক্ত কোন পুরুষ ব্যক্তি থাকেন তার দিকেই তিনি আকৃষ্ট হন এটা স্বাভাবিক এবং লক্ষ্মী দেবী এই হিসেবে তিনিও কৃষ্ণের সর্বোত্তম লীলা রাত্রের মধ্যে অধিকার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণের কাছে আবেদন কৃষ্ণ বলেছেন দেখো আমার এই রাত্রিলায় প্রবেশ করতে হবে তোমাকে কিন্তু ওই সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করতে হবে হ্যাঁ এই সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ করে গোপ গৃহে তোমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে গোপী ভাব অঙ্গীকার করে তারপরে তুমি রাত্রিলায় প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে তবে তোমার অভিমান তোমার এগুলো সব পরিত্যাগ করা দরকার হ্যাঁ কিন্তু দেখুন লক্ষ্মী দেবী আমাদের যে জগতের মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ তিনি সতী সাথে তিনিও অন্য মানে কৃষ্ণের রূপে মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য বা তার সর্বোত্তম লীলা রাত্রিলায় প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করছে এতে তো শুনিয়ে নাই কিন্তু সতী সাধ্বী তো তার নষ্ট হবে না যদি কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করতে চান কিন্তু আবার দেখিয়েছেন অনেক জায়গায় আমরা শুনতে পাই সমালোচনা কেন রাধা রানী তিনি বলছেন যে আমি ললিতাকে বলছেন আমি প্রাণ ত্যাগ করবো কেন আমার 3 পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে আকৃষ্ট হয়েছে সুতরাং আমার এই প্রাণ আমি রাখবো না আমার সতীর্থ সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন দেখুন আবার বিচার করুন আমরা অনেক জায়গায় শুনতে পাই তাহলে রাধা রানী 3 পুরুষের সঙ্গে তার মনটা আকৃষ্ট হওয়ার জন্য উনি প্রাণ ত্যাগ করবেন কিন্তু ওই রাধা রানী আর কৃষ্ণ মিলিত তনুজে যখন শ্রী চৈতন্য মহাপুরুষ রূপে যখন তিনি ছিলেন এই জগতে তিনি যখন মহাভাব স্বরূপে যখন পুরী ধামের মধ্যে অবস্থান করছেন তিনি একদিন যখন তার পার্শ্ববৃন্দের সঙ্গে যাচ্ছেন পুরী দর্শন করতে জগন্নাথ আর দর্শন করতে গিয়ে তিনি জগন্নাথদেরকে তিনি আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন কে ওখানে কিন্তু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রাধা রানী স্বয়ং রাধার সম্পূর্ণ ভাব প্রতি
আর তিনি আবার এই জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। আর এই জগন্নাথ দেব হচ্ছেন দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ, নীলাচল হচ্ছে দ্বারকা, আর গন্ডিচা মন্দির হচ্ছে বৃন্দাবন। তা এখন উনি যাচ্ছেন কিন্তু ওই গন্ডিচা মন্দিরে কৃষ্ণের জগন্নাথকে দর্শন করতে যাননি, যাচ্ছেন ওই নীলাচলের মন্দিরে যে জগন্নাথ দেব আছেন এই জগন্নাথকে দর্শন করতে যাচ্ছেন। তা নীলাচলের মধ্যে আছেন দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ। তা এখন কৃষ্ণকে দর্শন করে তিনি তাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন। তাহলে এখানে বিচার্য বিষয়ে যে রাধারানী তিনি মনেও অন্য কারো কোন পুরুষের কথা চিন্তা করেন না, আলিঙ্গন তো দূরের কথা, কিন্তু এখানে তিনি আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন কেন? আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ মন্দিরে যাচ্ছেন, তিনি যখন দর্শন করছেন বলদেব আর সুভদ্রা দেবীকে দর্শন করছেন, একমাত্র জগন্নাথকে তিনি দর্শন করছেন। আর জগন্নাথকে দর্শন করে তিনি বলছেন বিগ্রহ নবমী সাত সাত প্রজেন্দ্র নন্দ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এমনি তো দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ জগন্নাথ বলদেব, এখন বিচারটা হচ্ছে যখন এই জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা তিনজনকে দর্শন করবেন তখন কিন্তু দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ, আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন দর্শন করছেন তখন কিন্তু ওই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্যামসুন্দরকে দর্শন করছেন। এই জন্যে তিনি ওখানে গিয়ে ওই জগন্নাথকে আলিঙ্গন করার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছেন। এতে কোন দর্শনীয় নয়, রাধারানী বলছেন যে আমি তো একমাত্র কৃষ্ণ বেঁধে রেখে অন্য কাউকে আমি মনেও চিন্তা করি না। সুতরাং এখানে রাধারানী অনেকে প্রশ্ন করেন, আমরা অরুণকুমারকে অনুষ্ঠান করে স্থাপন করে যাওয়া তাই আমরা উত্তর দিয়েছি। সুতরাং লক্ষ্মী দেবী বেলবনে মান বলছেন, লক্ষ্মী দেবী বেলবনে তপস্যা করছেন কৃষ্ণের রাসলীলা অধিকার লাভ করার জন্য, এখন পেয়েছেন কিনা জানি না। সুতরাং সর্বোৎকর্ষ উৎকর্ষ হচ্ছে রাসলীলা, এই জন্য লক্ষ্মী দেবীকে উনি বলছেন কৃষ্ণ তোমার এই অভিমান সব ছেড়ে দাও, দিয়ে লক্ষ্মী গৃহে জন্মগ্রহণ করো, আনুগত্য করে তারপরে তুমি আমাদের রাসলীলায় অধিকার পাবে। কিন্তু ওখানে আবার মহারাজ ওখানে বলছেন, আমার গোবিন্দের মধ্যে প্রশ্ন করেছিলেন যে জাতিক বিপ্রপত্নীগণ কৃষ্ণের কৃপা ওদেরকে করেছেন কি, কৃষ্ণ কৃপা করেছেন বলে, কিন্তু ওদেরকে ফিরে দিলেন যে তোমরা যাও, কারণ এই তোমরা এখন আমি এই জগতে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এসেছি, সুতরাং আমি যদি তোমাকে তোমাদেরকে অঙ্গীকার করে তোমরা ব্রাহ্মণ কুলে এসেছো, আমি গোপ কুলের মধ্যে আছি, সুতরাং এই লঙ্ঘন হয়ে যাবে ব্রাহ্মণ, তাহলে জগতের লোক কেউ মানবে না, সুতরাং তোমরা তীব্রভাবে আমার ভজন করার চিন্তা করো, করতে তোমাদের এই শরীরটা যখন চলে যাবে আবার তোমরা গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করবে, তারপর তোমাদেরকে আমি অঙ্গীকার করবো। এইভাবে তোমাদের আমাদের পাঠানো দিয়ে দিচ্ছি বন্ধা পরবর্তী পরিণাম।
So after class, tomorrow, our parikram. First Nidurvan, then Radha Raman, Radha Gokula Nanda, and Gopina. Okay, Radha Sanchuda. So in this way, we are going to parikram, same way. So, Kalhundu, so Radha Sanchuda, or Nidurvan,